जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, हमें क्रेन के बारे में थोड़ा बता दें कि इसके कंट्रोल क्या क्या हैं, ये जो सामने लगा हुआ है डिजिटल स्क्रीन वो क्या है और कितनी कैपेसिटी है क्रेन की? इसकी कैपेसिटी 4.9 है। ठीक है, 4.9। जितना मीटर, जितनी रेडियस इसकी बढ़ती जाएगी तो इसका वेट जो है ना कम होता जाएगा। ठीक है, ठीक है। और ये जो है ना, ये इसकी LCD है ना, तो ये मैक्सिमम इसका जो है ना टोटल वजन वेट उठा सकता है 4.4। ठीक है, ठीक है। ये वेट, जितना वेट होगा वो उसमें वेट आ जाएगा। सही है। और ये इसकी लेंथ है, बूम की लेंथ, जितनी लेंथ निकलती जाएगी। ठीक है, ये बूम की लेंथ मीटर्स में, मीटर्स। ठीक है, और उसके साथ क्या मैक्सिमम टन कितना उठा सकता है इस बूम लेंथ पर? जी ठीक है। और ये डिग्री आ गई, बूम की डिग्री। सही है, ठीक है, ठीक हो गया। ये जो है ना रेडियस मीटर जो है ना क्रेन से कितना दूर हो रहा है? ठीक है, इसका रेडियस आ, ये अभी रेडियस है 3.6। सही हो गया, 3.6। ठीक है। अच्छा, ये ऊपर लाइट्स हैं, ये लाइट्स कैसी हैं? ये लाइट्स ये है कि अब ये ग्रीन लाइट जल रही है ना, तो इसमें तो कोई ख़तरा नहीं है। अच्छा, ठीक है। फिर आगे आके यहाँ येलो हो जाती है। ठीक है, जब रेड आ जाती है तो वो खतरे की लाइट होती है। ठीक है, येलो का क्या मतलब है? येलो ये है कि जब येलो तक हम काम कर सकते हैं। ठीक है, रेड तक नहीं जाना, येलो की आखिरी लाइट पे रुक जाए। और अगर रेड पे चली जाती है तो कोई अलार्म बजता है, क्या होता है? अलार्म बजता है। ठीक है, अलार्म बजता है और फिर क्रेन खुद रुक जाती है या क्या? क्रेन लॉक हो जाती है। लॉक हो जाती है। और फिर बाईपास वगैरह भी सब कोई होता है? बाईपास ये होता है कि इसको इमरजेंसी, फिर जो है ना जैसे ये लीवर है, अब ये वायर का लीवर है, ये पेटी का लीवर है। ठीक है, और ये बूम डिग्री का लीवर है, ये डिग्री का लीवर ऊपर नीचे के लिए। ठीक है, अब ये कि जब हम कोई वेट अगर ज्यादा आ जाएगा ना तो ये ना आगे देगा और ना ही उबेस करेगा। ठीक है, सिर्फ आर्या करेगा और बूम बंद होगी। सही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। ठीक, जब हम बूम बंद करेंगे ना तो ये खुद ही इसकी लेंथ में आ जाएगा। अच्छा, वापस खुद ही हो जाएगा, वापस हो जाएगा। ठीक हो गया, ठीक है, ठीक है।